मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर कस्बे से 13 मई की रात को लापता आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों के शव नेमावर के मेला रोड स्थित एक खेत के गड्ढे से पुलिस ने बरामद किए हैं। हत्याकांड से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने मीडिया चर्चा में बताया कि इस जघन्य हत्याकांड से जुड़े जितने लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों ने इतने गहरे गड्ढे में शव को गाड़ा कि उसका पता लगाने में पुलिस को देर जरूर लगी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस प्रकरण का पटाक्षेप किया है। पुलिस ने इससे जुड़े अपराधियों के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है। उल्लेखनीय है कि 13 मई रात को नेमावर कस्बे में रहने वाले आदिवासी परिवार के 5 सदस्य ममता बाई, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन की 13 मई की रात को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए, जिसकी गुमशुदगी नेमावर पुलिस थाने में दर्ज हुई। परिवार को ढूंढने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन आखिरकार 45 दिन बाद लापता सभी परिजनों के शव नेमावर के मेला रोड पर स्थित एक किसान के खेत से बरामद हुए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर 5 शवों को बरामद किया है। देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। और लगातार इसकी एक मोबाइल जो थी, जो इसमें विस्का रूपाली है, उसका लगातार हमने 5 टीमें बनाई थी। खंडवा, होशंगाबाद और कई जगहों पे लगातार, अभी फाइनली चोरल डैम पे लोकेशन आया था। और हम बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से और लगातार इसमें कई टीमें बनाकर हम इसमें प्रयास कर रहे थे। और ये पुलिस की ही मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवाकर और हमने आज इस जगह पे आकर हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं। क्योंकि इतने भरे गड्ढे में इनने वो किया था कि जब तक कोई पिन पॉइंट, अगर इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता, जांच अच्छी नहीं होती, तो ये इसको निकालना दुरूह कार्य था। तो हमारी जो टीमें थी पुलिस की, उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है, भले टाइम लगा है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और हमने इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया। सर, ये जो घटनाक्रम है इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग शामिल हुए, क्योंकि ये जिस हिसाब से पूरा मामला हुआ है तकरीबन 1 दर्जन लोगों की संभावना हो सकती है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि ये अभी घटना स्थल पे हम लोग उपस्थित हैं, तो जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ होगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे उन सभी के खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा